आप अगर YouTube पर ढूंढोगे तो आपको AI टूल्स से रिलेटेड इतनी वीडियोस मिल जाएंगी, इतनी सारी, जिसमें बता रहे होते हैं कि आप इस वेबसाइट से इमेज जनरेट कर सकते हो, इस वेबसाइट से इमेज जनरेट कर सकते हो। बट आप जब जा कर के इमेज जनरेट करते हो तो इतनी बुरी इमेज जनरेट होती है कि आपको लगता है कि इससे अच्छा तो मैं क्लास सेकंड में ही इमेज बना लेता था, तो इस टूल का मैं क्या ही करूँगा। और आपको ये यूट्यूब पर ही नहीं, आप इंस्टाग्राम कहीं पे भी जाएंगे, हर जगह आपको लोग बता रहे होते हैं। और रियलिटी ये होती है कि उन्होंने खुद भी उस टूल को यूज नहीं किया होता है, वो जस्ट किसी का वीडियो देखते हैं या कहीं से आर्टिकल पढ़ते हैं और बस आपको बता देते हैं। बट यहाँ पे मैंने आपके लिए 7 दिन से रिसर्च करने के बाद टॉप 10 वेबसाइट निकाली है, और इसके साथ कुछ और वेबसाइट है, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो देर किस बात की, फटाफट से चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर। ओके दोस्तों, सो पहली नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट है और इसको मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। और ये दोस्तों इस तरीके की इमेज बनाती है कि मुझे खुद भी कंफ्यूजन हो जाती है, यार ये AI से ने सच में जनरेट करी है या कहीं से कॉपी तो नहीं कर दी, क्योंकि ये इतनी रियल लगती है, इतनी रियलिस्टिक होती है कि पता ही नहीं चल पाता है। और अभी के टाइम पर आपको ये फ्री मिलता है, अब इसमें आपको लगभग डेली के 150 क्रेडिट मिलते हैं, तो आप चाहो तो बस इमेज जनरेट सकते हो, लगभग 15 से 20 इमेज आपकी पर डे जनरेट हो जाती है। बट ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत अमेजिंग इमेजेस बनाती हैं, तो वो हम टिप्स भी आपको देने वाले हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड नंबर की, जो कि हमारी प्लेग्राउंड, ये भी बहुत ही अमेजिंग फोटो बना करके देती है और ये भी मेरी पर्सनल फेवरेट है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा तो ये सर्च में वो दिखाएगा जो इसने रिसेंटली बनाई हुई है। जैसे अगर मैं डालता हूँ इंडियन फीमेल और देन एंटर करते हैं, और इसकी खास बात मुझे ये लगती है कि जब भी आप सर्च करोगे ना, तो सर्च करने के बाद कौन सी प्रॉम्प्ट यूज हुई है वो इसमें पता चल जाता है। और अगर आपको नहीं पता है प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो हम देते हैं कि इस टाइप की आपको इमेज जनरेट करनी है, और जितने अच्छे से आप प्रॉम्प्ट डालोगे उतनी अच्छी आपकी इमेज जनरेट होगी। नॉर्मल आप डालोगे आपकी उतनी अच्छी नहीं आएगी, लेकिन आप उसको बहुत सारी डिटेलिंग दोगे कि इस तरीके की लाइट होना चाहिए, इस तरीके का आपका डिफ्यूजन होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी कुछ हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपको ये जो इमेजेस दिख रही हैं, अगर मैं नीचे आता हूँ तो आपको दिख रहा हो कितनी अमेजिंग इमेज जनरेट करके दी है। अगर मैं किसी को भी ओपन करूँ, अगर जैसे ये इमेजेस है, आप कह ही नहीं सकते दोस्त कि ये AI से जनरेट करी गई है इमेज। या इसके अलावा मैं ऊपर आ करके मैं कोई इमेज अगर मैं ओपन कर लेता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये पूरी की पूरी AI से बनाई गई है। इसमें आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये AI से बनाई गई है, और इसमें क्या प्रॉम्प्ट दी गई है ये आपको दिख रहा होगा, वेरी पुअर तमिल फैमिली ड्रेस डैमेज इन हट, पीछे हट वगैरह है ये चीज़ें। और इसमें कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जैसे मैं प्रॉम्प्ट बता रहा था क्लोजअप होना चाहिए, स्टूडियो फोटो होनी चाहिए, शार्प होना चाहिए फोकस, तो इस टाइप से आप डालोगे तो वो अच्छे से ये जनरेट करके देती है। तो कैसे आपको जनरेट करना है इससे प्लेग्राउंड AI से, आप क्रिएट पे आइए, क्रिएट पे आने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालने के लिए मिलेगा, तो आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो। नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे आपको नेगेटिव प्रॉम्प्ट डालने को होता है। नेगेटिव प्रॉम्प्ट में जैसे कई बार होता है, जैसे आपने इमेजेस देखी है, इमेजेस बनाओ, उसने क्रॉप कर दिया, तो हमने डाल दिया इसमें कि क्रॉप नहीं होना चाहिए या जूम इन नहीं होना चाहिए, या मैं कह दूंगा कि ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, आर्ट वर्क टाइप से नहीं होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। और यहाँ पर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो कौन से डिफ्यूजन से, अगर आप जो भी बदलोगे तो उसके हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छी इमेज जनरेट करके दे देती है। तो अगर मैं जैसे प्लेग्राउंड बंद करके और अभी मैं इसी से करके देखता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, वेरी क्यूट इंडियन फीमेल बियरिंग शॉर्ट क्लॉथ। शॉर्ट क्लॉथ मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि यूजली अगर मैं इंडियन फीमेल डालूंगा तो ये क्या करता है, साड़ी वगैरह में दे देता है, तो मैं शॉर्ट क्लॉथ डाल दिया है इसमें। और अभी मैं नॉर्मली जनरेट कर रहा हूँ, कुछ भी मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डाल रहा हूँ, और अभी जनरेट करके देखते हैं ये किस तरीके से हमारी इमेज को जनरेट करके देता है। थोड़ा सा ये टाइम लेता है। ओके सो बहुत ही बकवास इमेज इसने बना करके दी है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेग्राउंड की जगह पे मैं डिफ्यूज़न 2.1 कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी इमेजेस हमारी जनरेट करके देती है, क्वालिटी हाई रख रहे हैं। इसके बाद मुझे दो ही इमेजेस चाहिए, ज़्यादा इमेजेस नहीं चाहिए,
ठीक है। और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी दिखा रहा है, सेफ्टी इशू डिटेक्ट, हो सकता है ये भी शॉर्ट क्लॉथ के वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा हो। ओके, सो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी प्रॉम्प्ट चेंज करी है और मैं देख रहा हूँ कि ये, क्योंकि देखो बिड प्रॉम्प्ट पे ही डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट दोगे उतनी अच्छे से ये वेबसाइट डिजाइन करके देगी, ये सारी वेबसाइट के साथ है। तो यहाँ पे मैंने डाला है आ क्यूट इंडियन गर्ल 18 ईयर ओल्ड, और यहाँ पे मैंने करा है अगली नहीं होना चाहिए, डिफॉर्म्ड नहीं होना चाहिए, नॉइसी ब्लरी वगैरह नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रॉयड भी नहीं होना चाहिए। और अभी मैं इसका जनरेट करके देखता हूँ तो ये किस तरीके से जनरेट करती है। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे अगर हम आते हैं और यहाँ पे मैंने स्टेबल डिफ्यूजन करा हुआ है, और अगर मैं इमेजेस देखूँ तो ये काफ़ी पहले हमारी कुछ इस तरीके से इमेज इसने जनरेट करके दी थी, उसके बाद इसको काफ़ी मैंने प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट देने के बाद अभी हमारी कुछ इस तरीके से आई, फिर अभी करंटली जो रिजल्ट है इस तरीके से आया हुआ है। Adobe Firefly ये भी बहुत ही अमेजिंग काम करती है, और इसमें आपको साइन इन करना होता है, साइन इन करने के बाद कुछ क्रेडिट आपको मिलते हैं, और जैसे ही आपके क्रेडिट एक्सपायर हो जाते हैं तो उसके बाद आप फिर से दूसरी ईमेल से साइन इन कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट टू इमेज की, तो अभी हम इसी को देखेंगे। यही चीज़ मैं फिर से इसमें भी जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसने भी काफ़ी अच्छे तरीके से हमारी इमेज जनरेट करके दी है। तो इसको दोस्तों आप बता ही नहीं सकते हो, अगर मैं इसको जूम करके बताऊँ तो आपको दिख रहा हो कितने ही अच्छे से इसने जनरेट करके दी है। और ये है तीसरा टूल जो कि हमारा Adobe Firefly है, इसको आप यूज कर सकते हो। ये आपको बेसिकली चार इमेजेस बना करके देता है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसको अगर आपको, और अगर आपको जनरेट करवाना है तो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट्स वगैरह दे सकते हो, यहाँ पे कुछ फिल्टर्स वगैरह है, ये पहला फिल्टर है, दूसरा है, इससे भी आप जनरेट करा सकते हो। और इसके अलावा इसमें भी आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। अब सेटिंग्स बताना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, वीडियो को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हम लोग, चलते हैं अपनी नेक्स्ट। ब्लू बिडो, इसको आप डिस्कॉर्ड के से आप यूज करना होता है, अगर मैं ट्राई नाउ फॉर फ्री करता हूँ तो ये डिस्कॉर्ड में ले जाएगा, और यहाँ पे भी आप इमेज जनरेट करके देख सकते हो। और ये जो इमेजेस है ये मैंने ही जनरेट करी हुई है इमेजेस, और अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये कितने अच्छा लग रहा है, वेरी क्यूट इंडियन फीमेल बेयरिंग शॉर्ट क्लॉथ, ये वही जो मैं डाल रहा था अभी, सेम ही आपको प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा, ये प्रॉम्प्ट जनरेट करके मैंने डाला था। और अगर मैं इसको एडिट करूँ, एडिट इमेज, तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट भी दिख जाएगा। अच्छा, प्रॉम्प्ट नहीं दिख रहा है ये, ओ एक सेकंड, इससे आप पैसे भी बना सकते हो, जैसे ये पब्लिश है, पब्लिश तो मैं नहीं कर रहा, पब्लिश करने के बाद आप इसमें आराम से पैसे भी बना सकते हो। ये आपको सारी इमेजेस दिख रही, ये भी सारी की सारी इमेजेस आपको वैसे ही दिख रही हैं। अगर मैं इसको करता हूँ, एक मिनट, बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, तो ये इमेजेस लग रही है, बस थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं हैंड के पास आऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बेकार लग रहा है, बट अगर इसको मैं क्रॉप करूँ इतना अगर मैं देखूँ तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते हो कि ये जनरेट करी गई है। तो ये लाइम वायर करके है, इसको भी आप यूज कर सकते हो। बाहर आपको दिख रहा होगा थोड़ा अलग ऑप्शन आ रहा था, ये ब्लू बिडो आ रहा था, तो ब्लू बिडो बाई लाइम वायर, ये चीज़ आप ध्यान रखें, और इसकी लिंक भी मैंने दे रखी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में भी आप इसको एडिट कर सकते हो, तो डिस्कॉर्ड के थ्रू भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी पिक फाइंडर, पिक फाइंडर भी बहुत अच्छे से काम करके देती है, और ये 100 ऑफ इमेजेस आपका एक बार में जनरेट करके दे देती है। तो प्रॉम्प्ट मेरे पास, चलो मैं ये डाल देता हूँ, हॉट इंडियन गर्ल 18 ईयर ओल्ड, हॉट की जगह मैं डाल देता हूँ क्यूट, ठीक है, ड्यू टू प्राइवेसी। और यहाँ पे मैं देखता हूँ किस तरीके से ये जनरेट करके दे रहा है। ओके, अभी काफ़ी अच्छी इमेजेस जनरेट करके दे रहा है, और लगभग ये फेस आप देखोगे कि सेम ही फेस के साथ ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो हाँ, ऑब्वियसली जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे इमेजेस उतनी अच्छी से ये जनरेट नहीं करके देगा, लेकिन फिर भी आप, अगर मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाऊँ, और इसमें मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है कि आपने कुछ भी डाला, डालने के बाद ये आपको सेम उसी तरीके के रिजल्ट आपको बना करके देता है। ये भी आप देखोगे ना, ये इमेजेस काफ़ी अच्छे से बनाई हैं, ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है इमेज, इसको देखते हैं, काफ़ी हद तक इसने बढ़िया बनाने की कोशिश करी है,
और ये इमेजेस काफ़ी रियलिस्टिक आपको दे रहा है। और इसमें आप और भी चीज़ें डाल सकते हो तो वो चीज़ें आपको और अच्छे से लगती हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ, जैसे मुझे स्पेस की इमेजेस चाहिए, मैंने डाला यहाँ पे। अब आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी इमेजेस ये जनरेट करके दी है। तो इस टाइप की इमेजेस तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया इमेजेस आप जनरेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ड्रीम और बाई बिम्बो करके आता है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। इसमें साइन इन आपको करना होता है, तो मैं साइन इन कर ले रहा हूँ। आपको यहाँ पे एक इमेज ये जनरेट करके दे देता है। अगेन मैं कोई और ले लेता हूँ प्रॉम्प्ट। ओके, तो मैं इसको जनरेट करके देता हूँ। यहाँ पे भी सेम आपको वही ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे शुरुआत में हम लोगों ने यूज करे थे। अभी मैं इसी वाले से मैं बना करके देखता हूँ। पहला वाला सिलेक्ट है आर्ट स्टाइल और इससे बना करके देते हैं। आपको ये एक बना करके दे रहा है अभी नॉर्मली। यहाँ पे साइन इन करने के बाद हो सकता है आपको और बनाने दे। तो यहाँ पे लेट मी वेट। ओके, इस तरीके की इमेजेस ने बना करके दी है। लुक लाइक प्रिंसेस को भी हम हटा देते हैं। वेरी क्यूट इंडियन फीमेल, अभी देखते हैं किस तरीके की ये बना करके देता है। ओके, ये काफ़ी अच्छे से बनाई है, हालांकि ये उतने अच्छे से नहीं बनाता है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट बिंग, इससे भी आप इमेज जनरेट कर सकते हो। इसमें आपको क्रेडिट मिलते हैं, क्रेडिट आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे अगेन प्राइवेसी का सेम इशू रहता है, तो कई बार ये आपको अब नॉर्मल इमेजेस ही जनरेट कर रहे होते हैं और बस ये बताता है कि ये सेंसिटिव कंटेंट है, हम इमेज जनरेट करके नहीं देंगे। तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी बेकार लगती है। अदरवाइज ये इमेज काफ़ी अच्छे जनरेट करके देता है। हालांकि और वेबसाइट है जो शुरुआत में मैंने बताई हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम कर रही होती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ इसको, देखो ये आपको दिखा रहा है काफ़ी अच्छी इमेज जनरेट करके दी है यार, आप कह ही नहीं सकते हो। अब ये वाली इमेजेस अगर आप देखोगे ना तो ये आप बोल ही नहीं सकते हो कि यार ये कहीं और से बनी हुई है। उसके बाद है क्रायोन, ये भी आपको जनरेट करके देता है। बट ये आपको रियलिस्टिक नहीं देता है, ये आपको आर्ट ड्राइंग वगैरह जनरेट करके देता है। ओके दोस्तों, सो हमारी इमेजेस जनरेट हो गई हैं, तो आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके से इसने इमेज जनरेट करके दी है। मुझे उतनी अच्छी तो नहीं लग रही है पर्सनली, क्योंकि अगर जैसे ये अच्छी लग रही है, अगर इसको ओपन करें तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कि नोज के पास थोड़ा सा इसने उतने अच्छे से काम नहीं किया है। लिप्स के पास भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा इसने उतने अच्छे से नहीं करा है, यहाँ पर भी। बट हाँ, काफ़ी हद तक इसने करा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा डॉली टू। डॉली टू एक्चुअली वैसे तो पेड है, जो नए यूजर्स हैं उनके लिए पेड है, लेकिन जो पुराने यूजर्स हैं उनके लिए ये फ्री है। तो पुराने यूजर जनरेट कर सकते हैं, बट पर्सनली अगर मैं बात करूं तो ये उतनी भी अच्छी इमेज आपको जनरेट करके नहीं देता है कि आपको इसका पेड वर्जन यूज करना पड़े। और ये हमारा डॉली टू अकाउंट मैंने दूसरी जगह पे ओपन कर रखा है, तो यहीं पे मैं एक बार फिर से डाल के और सर्च करके देखता हूँ तो ये किस तरीके से जनरेट करती है इमेजेस। ओके दोस्तों, सो इसका अगर आप देखोगे तो इस तरीके से इसने जनरेट करी है, पता नहीं बिंदी कौन से नशे में इसने लगाई है। और ये चीज़ें आप देखोगे तो जनरेट करी हैं, और मैंने काफ़ी ट्राई किया है। ये सारी इमेजेस आपको दिख रही होंगी, ये मैंने जनरेट करी थी, ये मॉन्क वगैरह मैंने जनरेट करने की कोशिश करी, तो इसने उतने अच्छे से रिजल्ट नहीं दिया है। जैसे ये वाली इमेजेस है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इससे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था। ये आपको दिख रही हैं, बट हाँ, आप अगर चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं अपनी फाइनल की, जो कि हमारी पहले नंबर पे थी, वो थी हमारी लियोनार्डो। और दोस्तों ये इतनी अमेजिंग इमेज जनरेट करके देती है, आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं भी देना है तब भी ये बहुत ही अमेजिंग बना करके दे देती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारी पहली नंबर की वेबसाइट की। आप यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है फोटो रील, आप फोटो रील पर क्लिक करिए और जनरेट विद दिस मॉडल यहाँ पे करेंगे ड्रीम शेपर। ये आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है शुरुआत में अगर आप आएंगे, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। डेली के आपको 150 क्रेडिट मिलते हैं, तो आप यूज कर सकते हो। अगर ये ख़त्म हो जाते हैं तो आप अलग से भी यूज कर सकते हो, जो कि मैं पहले भी बात कर चुका था। और अगर यहाँ पे मैं डालूँ प्रॉम्प्ट, फिर से डालता हूँ इंडियन क्यूट गर्ल, बस इतना ही मैंने डाला है। और यहाँ पे मैंने फोटो रील्स को सिलेक्ट करके रखा हुआ है, और
अब मैं क्या कर रहा हूँ, जनरेट पर क्लिक कर रहा हूँ। तो जनरेट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इतनी अमेजिंग ये जनरेट करके देता है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इमेज हमारी जनरेट हो चुकी है। और अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये आपको दिख रहा है, इतनी रियलिस्टिक लग रही है दोस्तों। इसमें आप कह ही नहीं सकते हो कि यार इसमें कुछ, और ये सबसे बेस्ट इसकी बात है कि ये इसी तरीके की हमेशा इमेज जनरेट करके देता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ प्रॉम्प्ट्स पे सही काम करता है, कुछ पे नहीं। आप जितनी भी प्रॉम्प्ट दोगे, ये देखो ये कितनी अच्छी इमेज लग रही है यार, इसमें आप बोल ही नहीं सकते हो। ये सेम आपको दिख रहा होगा 100% इसमें रियलिस्टिक आपका बना करके ये देती है। और अगर इसकी मैं दिखा दूँ कि इसके अलावा भी ये बहुत सारी इमेजेस, ये आपको जो इमेजेस दिख रही है ना, सारी की सारी इसी टूल को यूज़ करके बनाई गई हैं। ये आपको दिख रहा होगा बिल्कुल 100% रियलिस्टिक लग रही है ये वाली इमेजेस। अभी मुझे पता चला है कि मैंने केवल केवल 9 ही वेबसाइट बताई है, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ पे आपको पूरी की पूरी 10 वेबसाइट बताने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको बोनस के तौर पे 2 और एक्स्ट्रा वेबसाइट दूंगा। और अभी मैंने कोशिश करी कि मैं ऑफिस से ही रिकॉर्ड करके आपको डिलीवर कर दूँ, तो उसके लिए पहले मैंने ईयरपॉड्स को ट्राई किया, फिर उसके बाद ये ट्राई करा, और उसके बाद फिर ये वाला माइक भी ट्राई करा, लेकिन ये तीनों के तीनों नाकामयाब हो गए। उसके बाद फाइनली मैंने कहा कि मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके और ये आपके पास पहुंचाऊंगा। तो अभी बात कर लेते हैं 3 और वेबसाइट की। ओके दोस्तों, सो यहाँ पे 9th में नंबर पे मैं 3 वेबसाइट आपको बताने वाला हूँ। पहला है नाइट कैफ़े, ये भी बहुत ही अमेजिंग काम करती है। इसको मैं प्रैक्टिकल तो नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे जो ये आपको इमेजेस दिख रही है, ये सारी की सारी इसी वेबसाइट से मैंने क्रिएट करी है, और आपको दिख रहा हो बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट ये है। तो इसको भी अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इसके बाद जो 2 बोनस मैं बताने वाला हूँ वो है bizme.co, इस पर आप विजिट कर सकते हो, और ये मैंने URL आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से विजिट कर सकते हो। अदरवाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, तो वहां से भी आप आ सकते हो। तो bizme.co की अगर मैं इमेजेस आपको दिखाऊं, ये जो सारी इमेजेस दिख रही है, सारी की सारी इमेजेस मैंने bizme.co से ही बनाई है। और भी आप बहुत सारी अमेजिंग इमेजेस वगैरह जनरेट कर सकते हो, एक बार आप इसको ट्राई करके देख लीजिएगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिख रहे थे, ये सारे के सारे डीप AI वेबसाइट से ही बनाए हैं। तो ये सारी की सारी वेबसाइट जितनी भी मैंने आपको बताई है, इनका मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जा करके एक बार आप जरूर चेक करिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक तो बनता है। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।